बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मेरा मौजू है सूरह अल असर। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लज़ीना आमनु व आमिलु सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। अब इसका तर्जमा, बाई द डिक्लाइनिंग डे यानी वल असर, बाई द डिक्लाइनिंग डे ए मैन इज इन ए स्टेट ऑफ लॉस, सेव दोस who believe and do good works and exhort one and other to truth and exhort one and other to endurance। ये इंग्लिश में तर्जुमा, इसका साथ उर्दू में कसम है, अल्लाह ताला कसम खाते हैं, पर कसम है जमाने की, इंसान हर इंसान खसारे में है बजुज उनके जो ईमान लाए। इन चार शरायत हैं। पहली शर्त बजुज उनके, पहली शर्त है कि वो जो ईमान लाए, दूसरी शर्त है कि उन्होंने नेक आमाल किए, तीसरी शर्त है कि वो एक दूसरे को सच की तलकीन करते रहे, और चौथी शर्त है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त सब्र की ताकीद करते रहे। तो ये जो चार शरायत हैं, ये ज़रूरी इसके लिए, तब इंसान खसारे से निकलता है। और ये कसम जो खाई अल्लाह ताला ने वाला सर, ये खाई जमाने की कसम। अब कसम के बारे में मैं यहाँ वजाहत करूँगा कि कसम सिर्फ अल्लाह ताला किसी भी चीज़ की खा सकते हैं, हमारे लिए सिवाय अल्लाह के और किसी कसम खाना जायज नहीं है। जैसे बात कहते हैं खुदा की कसम, खुदा की कसम कहना भी गलत है, क्योंकि कुरान पाक में, पूरे कुरान पाक का पढ़ लें, कहीं पर अल्लाह का नाम खुदा नहीं लिखा हुआ। ये बात वाजे में क्लियर कर रहा हूँ नाज़रीन के लिए, खुदा की कसम कहना भी गलत है। और हम किसी शय की कसम नहीं खा सकते, सिर्फ अगर कसम खाने हैं तो अल्लाह की कसम। अल्लाह ताला जिसकी, जैसे बस शम्स वल कमर, अल्लाह ताला जिसकी चाहे मर्ज़ी सूरज की खा रहे, चाँद की कसम खा रहे, वो उनका। अब आगे इसको जो मैंने तर्जमा बाई द डिक्लाइनिंग डे यानी ढलते हुए दिन की कसम, तो इसमें तफसील में आता है जमाने की कसम। और ज़्यादा यही ज़्यादा है, ज़माना वो है ख़ास तौर पे इसलिए किया गया कि हुजूर का जो ज़माना था उससे बेहतर ज़माना कोई नहीं, उसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई ज़माने की। बाद जो कि ज़माने के अलावा भी बाद है तफ़सीरों में कि ज़माना से मुराद सूरह नमाज असर है, लेकिन ये ज़्यादा अथेंटिक नहीं है, ज़्यादा वही है। अब उसके बाद आता है कि हर इंसान खसारे में है, सवाए खसारा जो है किस किस्म का खसारा होगा कि वो अगर उससे बजुज उनके बताया कि जो खसारे में वो नहीं होगा, ये चार शर्त जो मैंने बयान की, इसमें पहली जो शर्त है कि वो ईमान लाए यानी तौहीद पर कायम, अगर तौहीद पे नहीं ईमान नहीं है तो वो उसके अमाल भी नहीं। दूसरी शर्त जो है नेक अमाल करे, नेक अमाल में मतलब है कि वो जितने अमाल अच्छे करे उसका उसके नामे अमाल में लिखे जाएंगे। और जो तीसरा है कि वातावासो बिल हक के बाद सच की तलकीन करे, झूठ ना बोले, जो भी हक पे हो तो उसका फैसला भी उस करे। और सब्र का जो है बर्दाश्त करे, तो वो ये है कि हक की राह में, राह हक में जब आप इंसान निकलता है या मसाइब और आलाय में होता है या बीमार होता है तो उसको बर्दाश्त करे सब्र के साथ, तो इसमें भी सवाब मिलता है। तो ये वजाहत जो है ये सूरह इसका आता है, इमाम शाफी फरमाते हैं कि अगर सिर्फ यही सूरत नाजिल होती तो इंसान के लिए, सारी गारा कुरान पाक नाजिल नहीं होता, सिर्फ यही सूरत नाजिल होती तो इंसान की दुनिया में बेहतर ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि इसमें अच्छे अमाल भी आ गए, एक और उसकी ईमान तौहीद भी आ गई कि उसका ईमान है। अब जो ईमान नहीं लाते तो उनका लिए फिर वहाँ पर वो खसारे में, तो इन हर इंसान खसारे में कहा गया, ये नहीं कोई खास गुरोह को कहा, हर इंसान को किसी भी है। अल्लाह ताला के हमें इसकी हदायत दे और इन खसारे से निकलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।